नवरात्रि के परमा पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने सुर्खी विधानसभा से नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जैसे ही आज नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 144 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें सागर जिले की 4 विधानसभा भी शामिल है, जिसमें सागर जिले की बहुचर्चित विधानसभा सुर्खी विधानसभा भी शामिल है, जहां से पंडित नीरज शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नीरज शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जैसे ही शर्मा को जानकारी मिली तो वह सबसे पहले हनुमान मंदिर और देवी माँ की पूजा अर्चना करने पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद समर्थकों के साथ नगर के बस स्टैंड पर आतिशबाजी के साथ जय कांग्रेस विजय कांग्रेस के नारे लगाए। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित नीरज शर्मा से जब बात की गई तो नीरज शर्मा ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज की कृपा है, जो इतिहास में पहली बार हनुमान जी और माँ जगदम्बा के बाद अगर प्रदेश में किसी की कृपा भी है तो वो माननीय कमलनाथ जी हैं, जिनने क्षेत्र की, किसान की, गरीब की और सबसे बड़ी बात सुर्खी में आतंक जो अत्याचार का माहौल था वो आज कमलनाथ जी ने आपके बीच के, आपके भाई, आपके परिवार के, आपके बेटा को, आपके गांव के, आपकी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब ब्राह्मण के लिए टिकट दे के साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी आप गरीबों की, किसानों की चिंता कर रही है, क्षेत्र की चिंता कर रही है। क्या रणनीति, क्या मुद्दे लेकर आप क्षेत्र में उतरे? देखो, सबसे बड़ी बात तो क्षेत्रीयता का माहौल है। सुर्खी विधानसभा एक ऐसी सीट रही है जो 30 साल से यहाँ के मंत्री विधायक कब्जा किए थे और सबसे पहले कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र के इतने मुद्दा हैं, इतने राहतगढ़ के, सुर्खी के, बलेहरा के, सीहोरा के, आपकी अस्पताल से लेके, स्कूल से लेके, बेरोजगारी से लेके, एक हम गांव 200 गांव घूमे, इतनी स्थिति खराब है सुर्खी विधानसभा की, इतनी दयनीय स्थिति है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और हम सब किसानों की चिंता करते हुए, हमारी माता बहनों की चिंता करते हुए, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनकी चिंता करते हुए, तो कुछ बड़ा काम उद्योग होना चाहिए। सबसे पहले हमारी कमलनाथ जी से बात भी हुई थी, निवेदन भी होने से कि सुर्खी में सबसे पहले बहुत बड़ा एक उद्योग लगे, कोई अच्छी कॉलेजें खुलें, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। अस्पताल बनने से कुछ नहीं होता जब तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे। आप लोग भी पत्रकार हैं, देख रहे हैं राहतगढ़ में आप, डॉक्टर तक डॉक्टर है ही नहीं है, एक्स्ट्रा की मशीन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जिस एक एक हमें बहुत मतलब क्या है कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक एक पॉइंट पे आज कोर्ट के लिए 10 साल से ऊपर हो गए लेकिन आज तक कोर्ट यहाँ नहीं खुल पाई, आज तक लोग परेशान हैं। मंडी की स्थिति खराब है, गल्ले मंडी की स्थिति, गल्ले मंडी सबसे पहले हमें किसानों की चिंता करना पड़ेगा। हमारा जो किसान है बाहर जा रहा है, कहीं फरई जा रहा है, कहीं विदिशा जा रहा है, कहीं बासोला जा रहा है, सबसे पहले हमें किसानों की चिंता करना पड़ेगी। किसान हमारा अन्नदाता है, चिंता तो हमें एक एक मतलब हमारे परिवार है सुर्खी बलेरा की, जैसी नगर की, राहतगढ़ की, बहुत मतलब हमें इतनी कठिनता है, इतनी मतलब परेशानी, भगवान करे व्यवस्था करे, हनुमान जी महाराज सब करें, मतलब इतनी हमें कठिनाई का सामना करने पड़ा, कोई विकास भवन में विकास भई नहीं कहीं। गुणराज, गुणराज के रूप में एक बड़ी चुनौती आपके सामने क्या था? हम कोई चुनौती नहीं मानते, चुनौती क्षेत्र की, अब हम क्षेत्र के बेटा है, हर घर के बेटा है और हर घर की माता बहने, बुजुर्ग भाई, हमें राहतगढ़ में, सुर्खी में, जैसी नगर में, बलेरा में, हमारा सब परिवार है, हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है ना कोई हमारा, मतलब हम सबके चहेते मान लें चाहे सेवक मान लें, हम छोटे लोग हैं और सब लोग चुनाव लड़े हैं, सबका हमें आशीर्वाद का विश्वास है। पहली बार इतिहास में आपके राहतगढ़ से, आपके सुर्खी से, आपके बलेरा से, आपके जैसी नगर से सेवक के रूप में कांग्रेस ने आपके लिए एक सेवक दिया है और सेवक की औकात नहीं है, जो सब आप राहतगढ़ की माता बहन, पिता जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा परिवार, 4 पुली संबंध है हमारे घर के, सब लोगों से संबंध है और सब लोग ये काम करेंगे। अभी एक और कुछ भाजपा के पार्षद अध्यक्ष प्रतिनिधि कांग्रेस रहने के बाद आपके साथ भी तैयार है, क्या ये पार्टी छोड़ के आपके साथ रहेंगे? जी हमारे भाई हैं, पहले कांग्रेस बाद में है, भाजपा बाद में है, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और जब क्षेत्र की बात आ गई, जब राहतगढ़ की बात आ गई है
तो राहतगढ़ के आत्मा से लोग, चाहे वो माता बहन हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे पार्षद भाई हो, चाहे मतलब पार्षद तो नहीं, हमारे तो भाई हैं सब लोग। यहाँ राजनीति का कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई के लिए मदद करेंगे, भाई के लिए चुनाव हम बोल रहे हर राहतगढ़ का एक एक व्यक्ति, एक एक माता बहन चुनाव लड़ेगी, हर जैसी नगर का, हर बलेरा का, सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नीरज शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सुरखी विधानसभा एक एक व्यक्ति, चाहे गांव की बात आए, चाहे क्षेत्र की बात आए, सब लोग चुनाव लड़ेंगे।